जी अब कुछ इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है आपके सिलेबस में मेंशन टू लोब्स हैं, एक है एंटीरियर लोब, सेकंड है पोस्टीरियर लोब। लेकिन हम इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है वो लोकेशन के बारे में देख लें, स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो पी शेप्ड होता है और ये ब्रेन का एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस उसके साथ अटैच होता है। इसके अलावा इसके हार्मोन्स जो हैं उनको ट्रॉफिक हार्मोन्स बोला जाता है। ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनकी सेक्रेशन को भी जाके कंट्रोल करते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, इसके खुद के हार्मोन जो हैं वो डायरेक्टली हमारे टिश्यूज और बॉडी के ऊपर इफेक्ट शो करते हैं। जो टू लोब्स हैं उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर, पहले हम जो है एंटीरियर देखेंगे उसके बाद पोस्टीरियर लोब को स्टडी करेंगे। एंटीरियर लोब को अगर देखा जाए तो इसमें जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें सोमैटोट्रोफिन बोला जाता है, आम वर्डिंग में उन्हें ग्रोथ हार्मोन्स बोला जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो किस तरह ज़रा कंट्रोल करते हैं ये ज़रा हम आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बॉडी जो है वो तीन तरीकों से जो है वो ग्रोथ शो कर रही है ह्यूमन में। सबसे पहले कंडीशन है जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो है ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्रोइंग एज में ये जो सोमैटोट्रोफिक या ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन लेस होती है। कम प्रोडक्शन होने की वजह से बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ शो नहीं करते और इस कंडीशन को ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ड्वार्फिज्म का मतलब जिस ऐसे जो ह्यूमन हैं जैसे जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, जिसे उर्दू में बोना बोला जाता है। सेकंड कंडीशन देखिएगा वो है जिजनाटिज्म। ये भी ग्रोइंग एज में ही इफेक्ट शो करते हैं इसमें हार्मोन्स की प्रोडक्शन, लेकिन ऊपर जो है लेस प्रोडक्शन थी तो ड्वार्फिज्म की तरफ चली गई, नीचे जो है वो ओवर प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है हार्मोन की, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हाइटेड होता है, टॉल होता है, और इसको जिजनाटिज्म बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लंबे होना। लास्ट कंडीशन देखिएगा उसको एक्रोमेगली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी ओवर प्रोडक्शन होती है इस हार्मोन की, लेकिन ये ग्रोइंग एज में नहीं होता बल्कि आफ्टर ग्रोइंग एज जो है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, उसका फेस भी ब्रॉड होता है, जाज भी ब्रॉड यानी चौड़े होते हैं, और उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उसकी हाइट की निस्बत जो हैं वो साइज में बड़े होते हैं। तो ओवरऑल ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये इंटीरियर लोब था। उसके बाद इंटीरियर लोब जो है उसमें एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके कहाँ पर एक्ट करता है, ये डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड को जो है वो जाके एक्टिवेट करता है कि वो अपने हार्मोन जो हैं वो प्रोड्यूस करें। हार्मोन प्रोड्यूस करने के अलावा जो बाकी इंटीरियर लोब के हार्मोन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे फर्दर, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाए जाते हैं उसको भी जाके कंट्रोल करते हैं, उनकी सेक्रेशंस को भी कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स कौन से हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन एंटीरियर में जिनको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ड्वार्फिज्म, जिजनाटिज्म, एक्रोमेगली इसकी कंडीशंस हैं। उसके बाद सेकंड वन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को जाके एक्टिव करता है कि वो अपने हार्मोन्स जो हैं वो फर्दर प्रोड्यूस कर सकें।